एक माँ ने अपना बेटा के क्यों जा बेटा पानी भर ला। बेटो गयो हांडो उठाई के गयो और नल का नीचे धर दियो, नल चालू कर दी, पानी नहीं भरायो। 10 मिनट बाद बेटो आयो, मम्मी ने पूछो बेटा पानी भर लायो? बोले नहीं आयो। बोले क्यों, नल नहीं आया था? आया था, पानी नहीं आ रहा था? आ रहा था। तो तूने हंडा नल के नीचे नहीं रखा? रखा था। बड़ी विचित्र बात, नल भी आयो, पानी भी आयो, हंडो भी धरियो, पानी नहीं भरायो। माँ के 1 घंटा बाद बाद में याद आई, क्यों बेटा मैंने मांझी के बर्तन ओंदो धरियो तो थने कसो धरियो? बोले जसो तमने धरियो थो ऐसो कैसो मने धरियो। जैसा माँ करेगी वैसा बेटी करेगी, जैसा बाप करेगा वैसा बेटा करेगा। वंश दोष के कारण कोई बच्चा कायर होता है और इंसान स्वयं के कारण निर्धन होता है। लोग कहते हैं ना, अरे हम तो गरीब है साहब, हमारे से 500 रुपया चंदो नहीं बनेगो, सोई लिलो तुम तो। क्यों? किसने एग्रीमेंट लिख दिया, एग्रीमेंट करके आया तो दुनिया में कि तू गरीब ही रहेगा? किसने अमीर बनने से रोका तुझे? पर क्या करें, हमारा खान पान गलत है, हमारा व्यवहार गलत है, हमारी सोच समझ गलत है, जिसके कारण हम कमाते 500 हैं तो 200-300 रुपए तो हम कलाड़ी पे दे के आते हैं घर आने से पहले। और फिर कहते हैं हम तो गरीब है। काहे के गरीब? ना समझी के कारण हम गरीब हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, लाल लाल सब कोई कहे और सबके पल्ले लाल, अरे गांठ खोल देखा नहीं तासे भयो कंगाल। अरे म्यारे प्यारे, तू तो संसार का सबसे अनमोल हीरा थारे, लेकिन क्या करो, तूने ना समझी में अपने आप को कोयले के दाम में बेच दिया, कोयले के दाम में अपने जीवन को खत्म कर लिया। मेरे सदगुरु कबीर कहते हैं, ए जीवड़ा तू बड़ भागिया जो पड़ा समंदर तीर, अरे हंसा होकर चुग लेना अब नाम अमोल हीर। बहुत मुश्किल से तो जन्म हुआ है, ऐसे ही मत समझ लेना कि मनुष्य का जीवन बहुत आसानी से मिल गया है, बहुत कठिनाई से मिला है। बाल पना भज लीजिए जोबन धरिए धीर, नहीं तो काल बुढ़ापो मार से फिर नेणा से ढलके नीर। इसलिए हमारे पुराने और बुजुर्ग लोग ये कह गए हैं कि बेटा पहला पेल की कमाई, पहला पेल को छोड़ो और जवानी की कमाई पूरी जिंदगी साथ निभाए है, तो ऐसी पहला पेल की भक्ति भी कर लेनी चाहिए, पहला पेल का संस्कार भी जीवन में उतार लेना चाहिए। 20 बुद्धि और 30 धन, 20 साल की उम्र में जितनी अक्कल लेनी हो, संत समाज का चरणों में बैठी के, आदर्शवान व्यक्ति का चरणों में बैठी के समझ ले लेनी चाहिए, और 30 साल की अवस्था तक धन के कमाई लेनो चाहिए। उसका बाद अगर जो कर लियो तो ठीक, नहीं तो पूरी जिंदगी रोनो ही रोनो है, ऐसा संत महापुरुषों का कहना है। इसलिए देखिएगा, जब मैं भूला रे भाई मार सतगुरु जुगत लगाई, जब मैं भूला रे भाई मार सतगुरु जुगत लगाई, कहते हैं कि पहले किनको मनावेगा किसका लेगा नाम। बोले माता पिता गुरु आपना फिर अलग पुरुष को ध्यान, मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को मनाऊंगा, होगा मेरे घर के पास में परमात्मा का मंदिर, लेकिन मुझे नहीं जाना, जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मेरे माँ बाप को चेहरे पर खुशी रखूंगा, मेरे माँ बाप का दिल दुखा के मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और अगर गया तो मेरे सदगुरु मेरा परमात्मा कभी भी खुश होने वाला नहीं। ये हमारी भूल है। मेरे सदगुरु ने जगाया कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, ऐसी गलती मत कर। तीरथ में तो पानी है होवे नहीं कुछ नहाए देखा, प्रतिमा तो सकल जड़ है जी बोले नहीं बोलाए देखा। अगर कोई मूर्ति के सामने माथा ठोक ठोक के भी मर जाएंगे तो भी कभी नहीं बोलेगी, चाहे 5 रुपए की ले आओ या 5 करोड़ रुपए की मूर्ति बिठा दो। अभी अपने देश में एक मूर्ति बनी है 3,500 करोड़ की, 3300 करोड़ की ऐसी बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। चले जाना वहां कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, और बोल देना कि सरदार जी क्या हाल चाल है आपके, अरे तुम तो 3300 करोड़ में बनिया है यार, थोड़ा तो बोल लो कभी। नहीं बोले। सतगुरु कबीर कहते हैं, उस बोलते की कदर कर ले जिसका इलाही नूर है, जिसने पिंड और प्राण को रचिया वो मालिक सबके घट में विराजित है।
तो हम बोलते हुए की कदर करते नहीं, हम इंसान इंसान से नफरत करते हैं और जड़ को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर का संदेश मानवता का संदेश है, समरसता का संदेश है, भाईचारे का इशारा करते हैं और कहते हैं कि कोई छोटा ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई दूसरे धर्म का है, हम सब मानवता के धर्म से बंधे हैं और सभी उस एक ईश्वर के संतान है। और जिनको ये बात समझ पड़ गई उनने क्या करा, हरी क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छोड़ा तीर्थ का नहाना, हाँ क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छोड़ा तीर्थ का नहाना। सगली दुनिया भई सयानी, सगली दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोला ना चले पूला रे भाई, मरत गुरु अलग लगाई, गुरु जुगत लगाए, सतगुरु जुगत लखाई।
सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि रीझे जब तब की नहीं, ना तो जप करने से परमात्मा खुश हो सकता है, ना तपस्या करने से परमात्मा खुश हो सकता है, ना काया के जा रहे, ना योग करने से परमात्मा खुश हो सकता है, ना हरि रीझे नेति धोती नवली गज त्राटक, ये योग की क्रियाएं हैं, इनके करने से भी कुछ नहीं होने वाला, ना पांचों के मारने से कुछ होने वाला है। बोले फिर कैसे होगा साहब? सतगुरु कबीर साहब का उत्तर सुनिए आप, क्या कह रहे हैं? सब चीज को खत्म कर दिया, लेकिन हम दुनिया के लोग जो हैं, हम बहुत अंधे हैं। हमारे सामने सच होता है, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाते। आज की दुनिया प्रलोभन की दुनिया है, जहां जाओ वो अपना माल बेचने में लगा है, जितनी दुकानें हैं सब अपना माल बेचने को तैयार है, अलग अलग तरह के विज्ञापन करती है। सतगुरु कहते हैं, योगी कहे तू योग कर, जिसके पास जाओ वो कह देगा कि हाँ हम भगवान से मिला दे, हाँ हमारा धर्म पक्का है, हमारा पंथ ऐसा है, हमारा मार्ग ऐसा, हमारे गुरु जी ऐसे हैं। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तब से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो, भोगी कहे तू भोग कर रे भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बेराग से। किसकी बात माने? ये सच्चा किसकी बात माने? दुकान पे जाते हैं ना अपन, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अपनी बहन बेटियां, आओ हमारी बहन, आओ हमारी बुआ जी, आओ हमारी दादी, आओ काकी, और साड़ी 100 रुपए की हो भले वो 500 रुपए में दे देता है दुकानदार, फंसा देता है, ले हमारी बहन, और साड़ी को और बहन बेटी की अच्छी पैक कर जो भैया, बोले हाँ बहुत बढ़िया अच्छी पैक करके, और जिस थैली में देती है वो जो देता है ना थैली, उस पे लिखा भी रहता है नो क्लेम नो गारंटी, ये तम जिना गुरु का नाया है, खाली नोट धरो और अपना घर जाओ, भगवान मिले नहीं मिले इन्हीं बात की कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा जीवन में सुख आए नहीं आए इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, अरे दया को राखे धर्म को पाले, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीड़, और जो पर पीड़ा न जाने सो काफिर देती है। सतगुरु कबीर कहते हैं, वही संत है, वही देवता है, वही मानव है जो दूसरों की तकलीफ को खुद महसूस करता है। बाकी भले बड़ा बाल कर लो, बड़ा टीका लगा लो, बड़ी जनेऊ पहन लो, बड़ी दाढ़ी कर लो, बड़ा महात्मा बन जाओ, अगर दिल में दया नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, वी नर नरक में जाएगा, सुन सुन साखी और शब्द, भजन सुन सुन के और कथा सुन सुन के, भजन गागा के नरक में ही जाना है अगर दिल में दया नहीं है। जो दया को राखे धर्म को पाले, दया को राखे धर्म से पाले, जो दया को राखे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, हाँ दया को पाले धर्म को राखे, अपना सा जीव सबको माने, अपना सा जीव सबको माने, उसे मिले अविनाशी जब में भूला रे भाई, मार सतगुरु जुगत लगाई, जब में भूला रे भाई, मार सतगुरु जुगत लगाई, we'll be right back.
कहे कुशब्द वाद को त्यागे, सहे कुशब्द वाद को त्यागे, छोड़ गर्व गुमाना, गर्व घुमाना अरे सत्य नाम ताही को मिलही, सत्य नाम ताही को मिलही, कहे कबीर दीवाना जब में भूला रे भाई, मेरे गुरु ने जुरत लखाई तुम्हें भूला रे भाई, मेरे गुरु ने जुरत लखाई, भूला रे भाई मेरे गुरु ने जुगत।